हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन्स टू ऑल पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वर्टिन 8 mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इस टैबलेट को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए और गाइज इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइज इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिफ्टीन टैबलेट्स का प्राइस 132 रुपीज़ है। वर्टिन 8 mg टैबलेट एबर्ट का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर बीटा हिस्टिन 8 mg होता है। गाइज बीटा हिस्टिन इंटरनल कान में खून के फ्लो को बेहतर बनाता है, जो इंटरनल कान में मोर लिक्विड सब्सटेंस के दबाव को कम करता है। इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइज इस टैबलेट को आप बेचैनी में, उल्टी में, चक्कर आने की प्रॉब्लम में, मिनरीज डिजीज़ में और कानों की खराबी की प्रॉब्लम में और चक्कर आने की प्रॉब्लम में इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज़ चक्कर आने की प्रॉब्लम में ज़्यादा किया जाता है। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है और स्वेलिंग भी हो सकती है। देखा गया है गाइज ये नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इस टैबलेट को आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको यही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये बहुत कम चांसेस में देखा गया है। अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं या फिर लेना स्टार्ट करते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए। गाइज इस टैबलेट को आपको तब यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, स्टमक अल्सर्स की प्रॉब्लम हो, ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपके मेडिकल कंडीशंस देखकर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करेगा। बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में, तो इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। गाइज इस टैबलेट को आप दिन में 2 से 3 बार कुछ खाने के बाद पानी के साथ इजीली ले सकते हैं। इस टैबलेट को आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, क्योंकि वर्टिन कुछ फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि वर्टिन 8 mg, वर्टिन 16 mg, वर्टिन 24 mg और वर्टिन इंजेक्शन। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर कम प्रॉब्लम होती है तो उसी हिसाब से डॉक्टर आपकी चेकअप के बिहाफ पे इस टैबलेट की डोजेस प्रेस्क्राइब करेंगे। अगर आपको अभी भी इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो गाइज ये था इस वर्टिन 8 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।